गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। क्योंकि लास्ट टाइम आई वाज डूइंग दिस प्रॉब्लम एंड आई विल जस्ट रिपीट अगेन एंड एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। सो द प्रॉब्लम वाज समथिंग लाइक दिस। एक व्हीटस्टोन स्मिटर ब्रिज था, उसके लेफ्ट गेट में रेजिस्टेंस R1 लगाया, राइट गेट में रेजिस्टेंस X लगाया, नल बनाया 40 सेंटीमीटर। R1 के बदले R2 रखा, X अनचेंज, तो नल बनाया 50 सेंटीमीटर। एनीबडी कैन टेल मी R1 बड़ा या R2 बड़ा? खाली इतने डेटा से व्हिच वन इज बिगर, R1 इज बिगर और R2 इज बिगर? एनीवन कॉमन सेंस। मैंने बताया था लास्ट टाइम इतने डेटा से अगर पूछा जाए R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, what you will say? Afif, Murtuja, Prisha, Roshni, Ushna, tum batao. Are yaar, ye 40 centimeter tha, abhi 50 ho gaya. This has increased, that means this must have increased. R1 se bada hai R2. R2 is bigger than R1. Chalo, phir R1, R2 are collected in series. तो नल पॉइंट का आपको कितने डिस्टेंस पे वो पता लगा। अगर ये R1 R2 को पैरेलल में लगा है तो नल डिस्टेंस कितने पॉइंट पे है वो पता लगा। L1 भी पूछा है, L2 भी पूछा है। थर्ड करेस्पॉन्ड टू L1, फोर्थ करेस्पॉन्ड टू L2। इज द प्रॉब्लम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो अभी ना हम लोग करते हैं फर्स्ट फर्स्ट फॉर नंबर 1। Can I say R1 upon X equal to 40 by 60? यानी कि 2/3 और therefore आ रहा है ना पूरा? Therefore R1 equal to 2/3X. Equation number 1 for 2. What will I write? Tell me. Who will tell me? For 2 what should I write? What upon what equal to what upon what? R2 upon X equal to 50 upon 50. That is 1. And therefore R2 equal to X. Equation number 2. And for 3, what should I write? Tell me. What is the left hand gap resistance? R1 R2 by X. No. R1 R2 nahi hai. Who said R1 R2? R1 plus R2, two resistance in series. R1 plus R2 upon X equal to L1 upon 100 minus L1. But R1 is what? 2/3X plus X upon X equal to L1 upon 100 minus L1. Therefore, 5/3X upon X equal to L1 upon 100 minus L1. X cancel. Therefore, 5/3 equal to L1 upon 100 minus L1. So, 500 minus 5 L1 equal to 3 L1. Therefore, 8 L1 equal to 500. So, L1 equal to 500 upon 8. 250 upon 4. 125 upon 2. 62.5 centimeter. First answer आ गया for third. I'll repeat again. देखो, for this figure, left upon right at top equal to left upon right at bottom. तो ये आया. Left upon right at top equal to left upon right at bottom. ये आया. यहाँ पे मैं R1 R2 वाली series इसलिए become R1 plus R2. So R1 plus R2 upon X equal to L1 upon 100 minus L1. R1 के बदले 2/3X रखा, R2 के बदले X रखा, क्योंकि equation 1 और 2 upon X equal to this. इसको simplify किया, L1 का answer ये रहा आपके सामने, और खाली R1 40, खाली R2 50, तो R1 R2 में ज्यादा ही होना चाहिए, 50 से ज्यादा ही होना चाहिए, और 50 से ज्यादा है 62.5, so which is justified. ये समझ में? All of you understood? Yes. प्यारे बच्चे,
Yes, no? Yes. Okay, good. Yes, sir. Good, good. Jitu hai ki nahi, Jitu? Are you there or no? Jitu? Afif? Oh, Afif. Yes, sir. Jitu ko phone lagao ek baar. Okay, sir. मेरे ख्याल से नहीं है और कौन नहीं दिख रहा है जरा मेरे को बोलो सबको नींद से उठाने का है फॉर फोर्थ सर ओम ओम भी नहीं है ना सर उसका टेस्ट है ना अच्छा हाँ फॉर फोर्थ बताओ क्या लिखूं यहाँ पे वर्ड तो रिजल्टेंट इन द लेफ्ट गैप कैसे आर वन प्लस आर टू रिजल्टेंट इन द लेफ्ट गैप बोलो बोलो सर आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू माय गॉड दैट्स ग्रेट आंसर आई लव इट मेरे को ऐसा सबके पास से चाहिए आवाज अपॉन एक्स आर वन आर टू यानी टू बाय थ्री एक्स इनटू एक्स टू बाय थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू बाय थ्री एक्स प्लस एक्स विल बी फाइव बाय थ्री एक्स Right, upon x equal to L2 upon 100 minus L2. All right. So this xx, x square, ye x square or ye x square cut gaya. 3, 3 cut gaya. So 2 upon 5 equal to L2 upon 100 minus L2. And therefore, 200 minus 2 L2 equal to 5 L2. And therefore, 7 L2 equal to 200. And therefore, L2 equal to 200 upon 7. Its answer will be 28.6 centimeters. Either be from left or either be from left so that you know. All right, Jitu, why you are late? जी तो लेट क्यों आए सॉरी सर अरे सॉरी क्या तुम लोग का नुकसान होता है व्हाट यू चो सॉरी कोनन कुरैशी है कि नहीं कोनन कुरैशी आर यू देयर कोनन कुरैशी यू आर म्यूटेड सर है वो है हाँ है सर वो क्लास में नहीं लेकिन मेरा म्यूट हो गया क्या आवाज नहीं नहीं सर उसका माइक नहीं चल रहा बोल क्यों नहीं रही है लेकिन वो माइक माइक नहीं चल रहा माइक बोलो अनम्यूट करने के लिए उसको आपका आवाज नहीं आ रहा किसका हेलो मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं हाँ सर आ रहा है आ रहा है ना मिटा दो इसको मिटाओ इसको सर हुसैन को आवाज नहीं आ रही आपकी क्यों पता नहीं सर चैट्स पे लिखा दे हुसैन दागी ना आर यू देयर तो उसका प्रॉब्लम होएगा बाकी सबको आ रही है उसको नहीं आ रही है तो Must be his problem. Mita do? Mita do? Mita do kya? Yes, sir. Okay, is baat ka problem kaun sa hai? जीतू रीड करो उसके बाद क्या कौन सा प्रॉब्लम है सिर्फ लास्ट था ये ओके आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट
ओके विल स्टार्ट विद द आज मैंने जो भेजा है पोटेंशियोमीटर विल स्टार्ट फ्रॉम देयर मैं थोड़े होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा सब लोग ट्राई करेंगे ओके विल डू द पोटेंशियोमीटर This is the last part of this chapter called electricity. Potentiometer. First of all, what is potentiometer? मैंने already notes तो भेज दिया आपके पास potentiometer की. It is a device which is used to do three things. पहला, to determine EMF of a cell. दूसरा, to determine potential difference between any two points on a circuit. And number three. To determine internal resistance of a cell. Teen baatein. All right, Vaishnavi, what are the three things we can determine using potentiometer? First is potential difference between any two points of a circuit. Okay, that is number two. Second potential is difference between any two points is second. First, EMF of a cell. And third is internal resistance. And number three? Internal resistance. That is right. Internal resistance of a cell. That is very good answer. Vaishnavi. Okay. Now, सबसे पहला question आता है कि sir, how does it look like? Potentiometer कैसा दिखता है? Let us understand potentiometer होता क्या है? It consists of what, you know? It consists of 4 से लेके 10 तक, 4 to 10. Identical thin wires. एकदम identical thin wires. Each 1 meter long. Exactly 1 meter long. 1 meter lamba. All right. Are fixed parallel to each other. Parallel to each other. The ends of the wire are connected by thick copper strip. इसको thick copper strip से connect करते हैं. So that wires are in series. So that wires are in series. ऐसे connect कर देते हैं thick copper strip से. And you know, हर एक वायर के नीचे मीटर स्केल रहता है वो दिखा नहीं रहा हूं डायग्राम में यहाँ पे मीटर स्केल यहाँ पे मीटर स्केल यहाँ पे मीटर स्केल यहाँ पे मीटर स्केल ऑलराइट सो दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वायर कैन बी इजीली डिटरमाइंड सो वो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी सो दिस एंटायर अरेंजमेंट इज फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड इसको कहाँ रखते हैं वुडन बोर्ड पे रखते हैं अरेंजमेंट को दिस इज एक्चुअली यू नो 4 मीटर लंबा वायर लो 4 मीटर लंबा 4 मीटर लंबा वुडन बोर्ड लो तो उसको ना उठा के ले जाने में कितनी परेशानी होगी और 10 मीटर लंबा हुआ तो और लंबा लफड़ा हो इसलिए 1-1 मीटर के टुकड़े लेते हैं हम लोग जिससे ये इट इज एज गुड एज 4 मीटर लंबा वायर सो दिस इज व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन एक बार फिर से बोलता हूँ देन आई एम गोइंग टू आस्क मैं छोटे छोटे पार्ट पूछूंगा ये क्या है फिर इसके नीचे क्या है ऐसे सब क्वेश्चन रहेंगे ध्यान से सुनते रहो पोटेंशियोमीटर इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 10 आइडेंटिकल थिन वायर्स ईच कितना लंबा 1 मीटर 1 मीटर लॉन्ग दैट्स ग्रेट 1 मीटर लॉन्ग फिक्स पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ वुडन बोर्ड एंड बिलो ईच वायर देयर इज अ मीटर स्केल The ends of the wire are connected by thick copper strips so that wires are in series. And distance between any two points on the wire can be easily determined because there is a meter scale below it. I hope that is clear. Ek bar fir se. Hussain Dadi na, ye kya hai ye? Ye kya hai pura ka pura ye? The wooden board. That's right. Lovely answer. Bas aise question puchunga main easy easy. All right. और मुझे आलोक गुप्ता ये क्या ये काला वाला आलोक गुप्ता आलोक गुप्ता ओके त्रिशा शेट्टी कैन यू स्पीक ये क्या है वायर द 1 मीटर लॉन्ग दैट्स ग्रेट वेरी गुड आंसर अच्छा वायर के नीचे कौन है क्या है वायर के नीचे
वायर के नीचे क्या लगा है? ठीक है चलो, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. देखो कंसिडर पोटेंशियोमीटर वायर टीवी. अभी कितना भी लंबा हो आपको, अपने को मालूम नहीं, 4 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर है, कुछ भी. पोटेंशियोमीटर वायर एबी ऑफ रेजिस्टेंस आर लेंथ एल, मतलब इसकी पूरी लंबाई कितनी है यहां से यहां तक? एल. राइट. उसका रेजिस्टेंस कितना है? आर. कनेक्टेड टू अ ड्राइवर सेल ऑफ EMF E, which is capable of supplying constant current, a key. This is what is the circuit. इतनी easy circuit है. एक potentiometer वायर है ये भी, उसका resistance आ रहा है, length है, उसको एक cell से connect किया है जो कि capable है of supplying constant current, of capable of supplying constant current. Fine, okay. Now मुझे एक बात बताओ. मुझे एक बात बताओ, आर रेजिस्टेंस और एल लेंथ है. सपोज रेजिस्टेंस इज 50 ओम, एंड लेंथ इज सपोज लेट्स से 10 मीटर. तो व्हाट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ? उसका हर एक मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 50, 10 मीटर का 50 ओम, तो 1 मीटर का कितना? 5. तो व्हाट विल आई अप्लाई जनरल? अगर आर और एल है तो क्या लिखू मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ? R upon L, क्योंकि 50/10 किया था ना आपने. Yes sir. Okay. So this is what is the resistance per unit length of the potentiometer wire. All right. Now tell me, suppose if I neglect internal resistance of the cell, neglecting छोटा R. Tell me what will be current through the wire? Actually, you formula पता है? I equal to E upon क्या है बताओ? Anybody knows? Just something. What is that? Tenth में भी क्या था? 11th. Sir, external resistance plus internal. Right. And if I neglect R, what will be I का formula? It will become E upon R. You agree? Current through the potentiometer wire neglecting internal resistance will be E upon R. Now what I do, you know? So now. I consider a point P on the potentiometer wire, which is at a distance of L1. Which is at what distance? L1. And let RAP be the resistance of wire from A to P. So consider a point P on the wire such that let AP equal to L1. Let RAP be the resistance of wire from A to P. Anybody of you can tell me what will be RAP equal to? देखो एक बात बताता हूँ. सपोज रेजिस्टेंस वाज 50 ओम, लेंथ वाज 5 मीटर, तो ये आएगा 10 मीटर. तो दिस वाज 50/10, यानी के 5 ओम/मीटर. लेकिन मैं बोलूँ नहीं, मुझे रेजिस्टेंस है ना, एक एपी लेंथ है, एपी लेंथ है, उसका लेंथ है सपोज 3 मीटर. आई वांट रेजिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. 5 ओम/मीटर, तो 3 मीटर का कितना? 1 मीटर का 5 ओम, तो 3 मीटर का कितना? 15. That is right. So this what you have done is 50/10 into 3. क्योंकि 5 ओम/मीटर into 3, that will be equal to 15 ओम. यहाँ पे anybody can tell me what formula is like. अगर ये ध्यान में आएगा, ये values याद कर, तो यहाँ पे formula पे मुझे बताएं. बताओ क्या लिखूँ? This or what upon what into what? Anyone in the class? R upon L into AP. That is right. R upon L into L1. But R upon L is sigma. That is sigma into L1. Because R upon L is sigma. Agree all of you? And point number 4, last point. VAP with the resistance of wire from, potential difference from A to P. VAP. So can I say VAP by Ohm's law? Will be I into RAP.
VAP will be equal to I into REP. Bolo bolo. Potential difference is equal to current into resistance. What is I? P upon R. And what is REP? C by L1. R upon. Ha, bolo bolo, please. Tell me. Yes, Hussein. So that RAP formula. So tell me one thing. Can I say RR gets cancelled and that becomes E upon L into L1? VAP will be equal to E upon L into L1. Remember, E is constant potential on EMF of the cell. L of the length of the wire automatically will not increase or decrease. E upon L is constant. So this we represent by, and therefore will be VAP is proportional to L1. Since E and L both are constant. Thus, potential difference between any two points, on a potentiometer wire is directly proportional to length of the wire between those two points. This is the principle of potentiometer. एक बार मैं यहाँ से याद और एक नोट भी बता देता हूँ. नोट बहुत यूजफुल नोट है. फिर मैं ये VAP अपॉन L1 को नीचे लाऊं. तो कह रहे थे VAP अपॉन L1 यहां से देखो इसको नीचे लाया मैं. इक्वल टू E अपॉन L इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय इज रिटन एज PG. PG का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट. ऊपर पोटेंशियल नीचे लेंथ है. तो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. एंड देयरफॉर टेल मी कैन से VAP equal to PG into L1 or E equal to PG into L or E1 equal to PG into L1, E2 equal to PG into L2 and so on. So, ये एक बार पूरा repeat करता हूँ. This is important from exam point of view. Principle of potentiometer. Principle of potentiometer. Let us understand what it is. Dekho. Consider a potentiometer wire AB of length L, the resistance R, connected to a driver cell of constant EMF E and which is capable of supplying constant current I. Alright? Ye iska diagram. Therefore, sigma means resistance per unit length of the potentiometer wire equal to R upon L, resistance upon length. Is there a unit of the, anyone of you can tell me what will be unit of this sigma ka unit? Anyone? Apne mind se soch ke batao. Sir, ohm per meter. That's right. Ohm or niche meter, ohm per meter. Neglecting internal resistance of this cell, current through the wire is given by E upon capital R. All right. Consider a point P on the wire such that length AP equal to L1 and let RAP be the resistance of wire from A to P. So RAP will be equal to what? R sigma into L1. ऐसा उल्टा लिख सकते हैं. Okay. Resistance per unit length into length. पहले ये लिख देते हैं. Or that is R upon L into L. The resistance per unit length into length. Let VAP be the potential difference from A to P. Let VAP be the potential difference from A to P. And therefore, what is VAP by Ohm's law? V equal to IR, so na, VAP will be I into RAP. I to constant hai, ja raha hai yahan se. I ke badle, I write E by R. I ke badle, I write E by R. Yahan se uhaan. RAP के बदले R by L into L1, RR cancel. Therefore, VAP equal to E by L into L1. But E and L both are
and L both are what? Anyone? Constant. Constant. And therefore, VAP is directly proportional to L1. And therefore, we can say potential difference between any two points on a potentiometer wire is directly proportional to length of wire between those two points. This is POP. POP ka matlab kya? Principle of potentiometer. POP yani principle of potential. Now, dekho is say VAP upon L1 equal to E upon L equal to constant. This is denoted by PG and it's called potential gradient. Therefore, VAP equal to PG into L1, E equal to PG into L, or kabhi jarurat padegi to E1 equal to PG into L1, E2 equal to PG into L2, and so on. Ek baar dekho, maine photo bheja hai aapko. Dekho, ek aur baat dhyan rakhna. Ye photo ko jab tak aap convert karke apne notes mein nahi likhoge na, it is useless. This photo will disappear, delete ho jayega kabhi bhi. Aaj ki aaj, after lecture, you make fair notes, write everything systematically, draw diagram, understand everything and go on writing. Aapke haath se likha hua bahut acha rahega, photo se main samay bacha raha hu. Aapne baki sab ki notes banayi hai na, proper notes honi chahiye aapke paas. Padhne ke liye you do not depend on what my recordings are there. Recording to rahegi, lekin hamesha aise notes dekhoge na apne haath se likha hua, you would love it. Kitne log notes bana rahe hain? Mere ko Ushna ka to pata hai, wo bana hi rahi hogi. Without doubt, I can say. जैसे उष्णा है, जीतू है, कोनन है, आलोक है, ये सब तो 100% कर रहे होंगे. बहुत अच्छे स्टूडेंट है ये लोग तो. बाकी लोग कर रहे हैं? हाँ? सर, मैं भी हूँ सर. लवली लवली. आई वुड लाइक टू नो हु इज नॉट डूइंग इट. खाली इतना मेरे को बोल दो. आलोक. तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि ही विल नेवर अंडरस्टैंड द चैप्टर. अपने हाथ से लिखा हुआ आगे ना ताजा है. आज मैंने जो बोला है ना, वर्ड्स हमेशा दिमाग में घूमते हैं कि सर ने ये बोला वो बोला, तो यू विल रिमेम्बर इट प्रॉपरली एंड राइट योर नोट्स अकॉर्डिंगली. लेकिन अगर 10 15 20 दिन बाद तो इवेपोरेट हो जाता बहुत कुछ और बोलेगा ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बहुत दिमाग खराब होगा. इसलिए रोज का काम जो रोज कर लेता है ना, ही विल बी अ विनर अल्टीमेटली. जीत उसी की होती है जो रेगुलर काम करता है, जो लास्ट मोमेंट पे भागता है, स्ट्रेस देता है अपने पेरेंट्स को, खुद भी स्ट्रेस लेता है या लेती है. They will never succeed. Achha, abhi main ek compulsion karu. Everybody has to click the picture of their notes and send it on my personal. How is that idea, Jitu? Jitu? Oh, Jitu. Okay, sir. Haan, toh, everybody has to do this. They have to write. Aur jiska sabse neat hoga na, best writing. अच्छे डायग्राम, अच्छी हैंडराइटिंग, वेरी वेल प्रेजेंटेड, उसको मैं कुछ रिवॉर्ड भी दूंगा. एवरीबडी हैज टू कंपलसरी डू इट. और नॉट ओनली इन फिजिक्स यार, सब सब्जेक्ट में आप है ना इंटरेस्ट लेके काम करोगे, यू वुड लव योरसेल्फ, स्टार्ट लविंग द स्टडीज. लेकिन हेट्रेड लेके किधर ये फंस गया मैं खंडेलवाल में आके, देन यू विल नेवर गेट योर रिजल्ट. ऑलराइट, मैं बीच बीच में ऐसा सलाह देता रहूंगा सो दैट आई कैन मोटिवेट यू एंड आई कैन गिव यू डायरेक्शन. पढ़ाई करो ना एंजॉयमेंट के साथ करना. वॉट एवर यू डू, डू इट विथ एंजॉयमेंट, देन एवरीथिंग विल फॉलो योर स्टेप्स. चलो एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ. ये लिखना है आपको, हर 3 बजे के पहले मेरे को भेज देना है. 3 बजे के पहले सारे फोटो खींच के भेजना है मेरे को. डोंट से मेरा एग्जाम था, ये था, वो था, कुछ नहीं सुनूंगा. आप एक चीज पाएंगे कि मैं जो बोलता हूं ना और जो लिखा हुआ मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, तो यू वुड लव इट.
इसकी चार स्टेप याद रखना, प्रिंसिपल वर्ड सिग्मा आई आर ए पी वी ए पी, ऐसे याद रखो सिग्मा आई आर ए पी वी ए पी, सिग्मा आई आर ए पी वी ए पी। ओके अब सुनो, मैं क्वेश्चन भी क्या होगा पूछूंगा और बताऊंगा क्वेश्चन क्या बता। एक बार क्या हुआ, एक बार मैंने कोनन को और रोशनी को, दोनों को बुलाया। कोनन और रोशनी को बुला के मैंने उनको दो सेल दी, एक सेल का ईएमएफ था E1, दूसरे वाली सेल का ईएमएफ था E2। ऑलराइट, ये मैंने कोलिन को दी और ये मैंने रोशनी को दी। ऑलराइट, और मैंने इतना बता दिया कि रोशनी बहुत छोटी है ना और कोलिन थोड़ी बड़ी कंपेयर टू, तो मैंने ये बता दिया कि E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी कि कोलिन के पास जो ईएमएफ वाली सेल है उसका ईएमएफ ज्यादा है कंपेयर टू रोशनी। मैंने उनको बोला कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, कंपेयर, कंपेयरिंग मींस फाइंडिंग द रेशियो। Suppose E1 upon E2 आया 2, तो E1 is twice stronger than E2. You suppose आया 10, तो E1 is 10 times stronger. But एक चीज नक्की है कि E1 E2 से ज्यादा है, answer is more than 1. ये मैंने बता दिया था उनको कि भाई कोनन तुम्हारा सेल का EMF ज्यादा है। Alright, so now this is what we have to compare EMF of two cells using potentiometer. That means to find what upon what? What upon what? Anyone? To find, अभी बताया ना? To find what upon what? Ratio. Ratio what? Which upper, which niche? E1 upon E2. That is right. Bolo na yaar. Please, maja aayega fir. E1 by E2. There is a method called substitution method. So, hum log substitution method se karenge pehle. Substitution method. Right. Let us understand. What is the circuit like? Circuit बहुत interesting है उसकी, एक बार देख लो, मैंने picture भेजा है आपको। Alright, is that clear? So let us understand how it works exactly. Consider a potentiometer wire A, B. मतलब ये 4 मीटर हो, 8 मीटर हो, 10 मीटर हो, मालूम नहीं। कनेक्टेड टू अ ड्राइवर सेल ऑफ ईएमएफ ई। रिमेंबर दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी, ई इज ग्रेटर देन E1 एंड E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब ई इज द ग्रेटेस्ट। अ सेल, सॉरी अ की एंड अ रियोस्टेट, and the rheostat RH, this is key. और देख अभी तक दो सेल दिखाई भी नहीं दे रही हमको, जो कोनन को सेल दी थी ना, कोनन कुरेशी को, तो वो सेल लिख के आता हूं मैं। ओके, और वो सेल रखता हूं यहां, यहां रख देता हूं, ये रही ऑफ ईएमएफ E1। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू पॉइंट A। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कनेक्ट किया, पॉइंट ए पे, एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू जॉकी, ऑलरेडी बताया मैंने, टू अ जॉकी थ्रू अ
center zero galvanometer connected to a jockey through a center zero galvanometer. This is what is the अभी तक इंटू को मैदान में नहीं लाए सब्स्टिट्यूशन मेथड. We are going to do two methods, substitution and sum indifference. ये इसका बेसिक सर्किट होगी. इसकी बेसिक सर्किट है इतनी. पहले धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इटू को भी लाएंगे सर्किट में, लेकिन स्लोली स्लोली जाएंगे. What we do, first of all, we close the key K. Current will start flowing. ट्यू करंट भागना चालू कर देगा, करंट भागना चालू कर देगा. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जॉकी स्टेप टू एंड ऑफ द वायर ए ट्यू और फिर बी ट्यू एंड डिफ्लेक्शन विद गैल्वेनोमीटर आर चेक. इट मस्ट गिव डिफ्लेक्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ जीरो. ट्यू ट्यू दोनों बाजू से होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा होगा तो एडजस्ट व्हाट, एडजस्ट द हु विल से. अगर दोनों बाजू नहीं हो रहा होगा तो एडजस्ट व्हाट, एडजस्ट व्हाट, रियोस्टेट. नाउ जॉकी स्टेप एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वायर, ट्यू 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 ऐसे करते करते कैप करते हैं और एक पॉइंट P1 ढूंढते हैं. एक पॉइंट P1 ढूंढते हैं जहां पे की गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? लेट द बैलेंसिंग लेंथ AP1 बी L1. Let the balancing length AP1 be L1 and let VAP1 be the potential difference from A to P1. Let VAP1 be the potential difference from A to P1. अब सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं आपको. आपको याद है 10th में आपने एक लाइन सुनी थी कि फॉर करंट टू फ्लो वो देर हैज टू बी वॉट, एनी वन रिमेंबर्स, देर हैज टू बी विच डिफरेंस. करंट विल फ्लो ओनली वेन देर इज अ potential difference. Suppose P2 is at higher potential and P1 is at lower potential, current will flow from. But suppose current is not flowing only between P1 and P2. So what does it mean? If the current is not flowing only between P1 and P2, what will it mean? When the current between those two points is not flowing, cell well sab kuch hai, to uska matlab kya? They are at dash potential difference. What is that? They are at bolo dash ka matlab kya? Zero. They are at the same potential difference. Potential difference dono ka same hoga to current pani bhi ka flow hota hai jab upar niche, agar pani same level pe hai to flow nahi hoga idhar se udhar. Usi tarah se since no current flows, to abhi hamare paas less than 1 minute hai. Since no current flows through galvanometer, therefore EMF E1 is completely balanced by potential difference from A to P1. EMF E1 is completely balanced by fall of potential from A to P1. That is E1 equal to VAP1. Ye bahut important hai. Since no current flows through galvanometer, therefore EMF E1 is completely balanced by a fall of potential from A to P1. Since